हेलो दोस्तों, हाई फाइव एंड वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। और संडे को फंडे बनाने का दिन फिर से आ चुका है और आज हम लोग जाने वाले हैं मैनपाट, क्योंकि वहाँ पे हो रहा है मैनपाट कार्निवल और आज मैनपाट महोत्सव का तीसरा दिन है। और जाके देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। तो देर किस बात की, लेट्स अनवील दी एडवेंचर। हैं फिलहाल और इधर से हम लोग जाएंगे सीधे मैनपाट महोत्सव, ये वाला रास्ता है। और पूरी भीड़ यहाँ पे चारों तरफ है लोगों की और मेला भी लगा हुआ है यहाँ, तो मेला भी दिखाएंगे आप सभी को। तो एक रास्ता इधर से भी जाता है शॉर्टकट और दूसरा ये वाला रास्ता है, तो इधर से जाएंगे ताकि मेला वगैरह भी देखते हुए जाएँ लोग, यहाँ पर किस किस प्रकार की चीज़ें बेच रहे हैं वो सारी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। फिर तीन दिवसीय मेला रहता है तो आसपास के जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा आते हैं और विभिन्न प्रकार की चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं खरीदने के लिए, देखने के लिए। यहाँ पे जीन्स वगैरह भी मिल रही है। यहाँ पे खाने पीने की भी वस्तुएं उपलब्ध हैं, पे मूर्ति वगैरह भी है, सुंदर सुंदर मूर्तियाँ। डब्बे हैं क्या, क्या है बाबा इसमें क्या रखते हैं? पान का कहते चलनी, चलनी नहीं है वो होगा, पान वाला डब्बा है। लाइन से दुकानें लगी हुई हैं। ये यहाँ पे लकड़ी पर नाम लिखा जाता है और यहाँ पे चावल पे नाम है आगे। ये खाना है क्या सर, खाना है क्या? नहीं, लकड़ी पर बड़े बच्चों को बोला है। वो वहाँ पे अक्षर वगैरह उसी को चिपकाते होंगे ना इसमें। लाइन से कोई सा पसंद आ रहा तो देख लीजिए। ब्लूटूथ वाला है ये, मोबाइल से नहीं होता है, डायरेक्ट कैमरा ही है। कितने का है ये? 30,000 का। 30,000 का। यहाँ पे चावल पे नाम लिखा जाता है। कितने कितने का भैया? 50, 100, 150। अच्छा, साइज के हिसाब से। अच्छा दिख रहा है, गाड़ी में लगाने के लिए रखते थे, गाड़ी हिलता है ना तो फिर ये अपने आप मुंडी रहेगा, मुंडी उंडी हिलाता है। तो यहाँ पे पूरा मेला वाला एरिया है और उधर हम लोग को जाना है जहाँ पे समारोह हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल इधर मेला वगैरह ही देखते हैं, उसके बाद फिर उधर देखते हैं उधर क्या माहौल है। विभिन्न प्रकार की दुकानें यहाँ पे लगाई गई हैं, उधर चलते हैं। तो ये झूला वगैरह यहाँ पे है तो हम लोग इधर जा रहे हैं जहाँ पे झूला वगैरह है। ये बच्चों वाले झूले हैं यहाँ पे। घूमते रहो, ये भी बच्चों वाला है, यहाँ पे चढ़ के बच्चे लोग स्लिप कर रहे हैं। झूला, ड्रैगन ट्रेन, वही कभी नहीं।
प्रकार के झूले हैं वहाँ पे, विभिन्न प्रकार के जंपिंग ग्राउंड है, बच्चे लोग जंप कर रहे हैं वहाँ पे। राइट गजब ये नाचो नाचो यार नाचो यार ये क्या एक और फोटो आ रहा है, फोटो यस फोटो आएगा, मारो उसे। वो नहीं मार पाएगा, वो दूसरा लड़का है जो मार रहा है। यस आपको भी जाना है सर। चलिए चला जाए, देखते हैं उचक के अपन भी। अपन जाएंगे तो टूट ही जाए। हम लोग नहीं यहाँ पे टैटू वगैरह बनते हैं, पूरे मशीन वगैरह है। उसके अलावा यहाँ पे कप मग्घा वगैरह है। कितने का आता है? अक्षर के ऊपर रहता है क्या? चार अक्षर का है तो कितना लगेगा? 15 रुपये। और ये है सबसे मुख्य झूला यहाँ का, जंबो झूला। स्क्रीन की दुकान है। कितने का है यार? कितने कितने वाली? 10-5। 5 वाली दो दो ना है ना सर? आइसक्रीम चीयर्स। बच्चे लोग बोटिंग करते हुए, ये डांसिंग झूला, ब्रेक डांस। दूसरा झूला भी स्टार्ट हो चुका है। अच्छा ये शेर के साथ फोटो है, गजब बिजनेस है। इधर देखना मस्त, मतलब शेर के साथ फोटो खिंचाओ यहाँ पे और इसका फोटो ले जाओ अपनी। और यहाँ पे फ्रेमिंग भी होता है भाई, फ्रेमिंग भी हो रहा है फोटो का। तो ये है पूरा मार्केट यहाँ का, जो मेला है। तो हम लोग शॉर्टकट मारते हुए यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि उधर बहुत ज़्यादा लोग हैं और इधर पूरा एरिया जो है ये खाली है। तो शॉर्टकट मारते हुए इधर से ऊपर की ओर जाएंगे और फिर जहाँ पे महोत्सव हो रहा है उधर जाएंगे। तो हम लोग इधर से पूरा चलते हुए आए हैं इधर। इधर एक बोट भी जा रही है, बोटिंग स्टार्ट है और इतने सारे लोग वेट कर रहे हैं बोटिंग का। और बोट लगता है सिर्फ एक ही है, एक उधर से भी आ रही है, दो बोट है। और उस तरफ अखाड़ा हो रहा है तो उधर भी जाते हैं अभी। यहाँ पे लोग ऊपर चढ़ चढ़ के देख रहे हैं अखाड़ा। समापन की कुश्ती बीच में दोनों पहलवान बीच में लड़िए। बिल्कुल टाइगर जी आ किनारे, जूता नहीं खोलना। हाँ उन्हीं को बुला ले। हाँ
अरे चल रहा है सोचता था कुछ अरे सर यहाँ मुकाबला गजब का चक्कर अब का अरे अरे चल रहा थे बहुत ही शानदार थोड़ा सा बहुत सुंदर मुकाबला इस समय वारे अयोध्या के भी जमने न पाए अरे वारे कृष्णा फिर भी बहुत ही जबरदस्त भाई टाइगर जी क्या बात है सुनिए भैया जल्लाद सिंह पहलवान यहाँ देखिए जैसा नाम है वैसा काम है कहीं उंगली तोड़ता है कहीं मुंह फाड़ता है कहीं बाल लौटता है यार देखिए आप चिंता मत करिए एक बाबा जी युद्ध कर रहे हैं जनता बताएगी बोलिए हनुमान जी महाराज की जय अरे पता चलेगा अगर पटक दो तो 5,000 रुपए हमारे मंडा टाइगर की तरफ से जोरदार ताली के साथ स्वागत अगर आप बाबा को पटक दो क्योंकि हमारे महाराज जी का भी बाबा जी को लगा है रखी गई है आदरणीय हमारे NIS को विवेक पांडे जी पहलवान धराशाही हो गए बेहतरीन कुश्ती मजा आ गया देख के फिर से रिचार्ज हो गए एक तरीके से हम लोग कहाँ सर आइए ये यहाँ का मुख्य द्वार चुई यहाँ पे हो रहा है कार्यक्रम वैसे ये अच्छा किया है कि यहाँ पे स्क्रीन कर दिए हैं ताकि जो इधर बैठे उन लोगों को भी दिख सके बैठने का जगह यहाँ पे मिल गया तो यहीं पे बैठ के हम लोग कार्यक्रम देख रहे हैं और अभी उतना भीड़ नहीं है धीरे धीरे कैसा लग रहा है सर आपको इतना मजा तो नहीं आ रहा है पिछले बार से अच्छा है कि नहीं पिछले बार पिछले बार ज्यादा भीड़ था है ना हालांकि पिछले बार भी हम टाइम से ही पहुँचे थे पता नहीं शायद भोजपुरी कोई सिंगर आने वाला था Oh,
जो थी हमारे बीच में है, मैं भावना को इनवाइट करना चाहूंगा और नेक्स्ट परफॉर्मेंस के लिए मैं उन्हें प्लीज बुलाना चाहूंगा। प्लीज आप आइए, भावना के लिए एक बार जोरदार ताली प्लीज। तालियां बजती रहनी चाहिए, अंकित तिवारी के बैंड से महफिल सजनी चाहिए और इसी मौके के बीच एंकर भावना की शानदार एंट्री होने चाहिए। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हम दोनों के लिए। इसे एक बार जोरदार ताली बजाओ ना, बैक स्टेज मुझे मांगती है। एक बार जोरदार ताली भावना सिंह जी के लिए। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट। और अच्छा, मुझे सबसे पहले बताएंगे आप लोग कि ऐसे हमारी जनता में कितने लोग हैं जो हमारे आज के सेलिब्रिटी सिंगर अंकित तिवारी विनोद राठौर जी को सुनना चाहते हैं, जरा चिल्ला के बताएं। कम ऑन, दोनों हाथ उठा के। आप भी जानते थे उसमें कितने लोग, बस वही मिठास कुछ ही पलों में आप सभी के कानों में गूंजने जा रही है, आ रहे हैं आप सभी के चलते, आप सभी के लाडले छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुपर स्टार जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री सम्मान से नवाजा, आप सभी के बीच बस कुछ ही पलों का इंतजार। स्टेज पे हूँ तो कौन क्या क्या बोल रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, मजा आ रहा है ना, बस यहाँ पे मजे के लिए हैं हम सब लोग। भाई साहब भी थोड़ा लाइट बंद करेंगे क्या, थोड़ा इधर कर दो। हाय पीछे वाले, क्या बात है यार, कहाँ कहाँ तक बैठे हो आप सब लोग। फिर ले आया ये मजबूर क्या कीजे, रासुना रहना दूर क्या कीजे, दिल उसे मयसर कर दिया वो जो रुकी सी बात बाकी है, मुझसे ही आज मुझको बुला ले, ले कोई तैयार बुलाया हम लोग बाहर आ चुके हैं, आइसक्रीम की दुकानें हैं तो उधर भी खाने पीने के टेंट वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पे खाने पीने के स्टॉल हैं, चाय सुट्टा बार है जो अंबिकापुर में है वो भी है यहाँ पे। और इसके अलावा आइसक्रीम की दुकानें हैं यहाँ पे, डोसा और चिल्ला की दुकानें हैं यहाँ पे, भोजनालय है खाने वगैरह का। और देखते हैं कहीं पे कुछ खाएंगे, भूख भी लग गई है क्योंकि
ये टॉनिक जूस एंड ग्रिल भी है, ये सब अंबिकापुर के दुकानें हैं जो यहाँ पे लगी हुई हैं। और ये ग्रिल इन है फ्रेंचाइजी, यहाँ पे भी है कुछ दुकानें और बिरयानी की ज़्यादा दिख रही है, वेज आइटम कम है। यहाँ बन रहा है टिकिया चाट, सोया चिल्ली, इधर तो आए हैं चाय दुकान में। पिज़्ज़ा जो कि चौपाटी में हाल ही में कुछ दिन में चालू हो जाएगा, अभी चालू नहीं हुआ है, और इसका समझ लो कि आप मैनपाट में ही ओपनिंग हुई है। यहाँ चाय सुट्टा बार आए हैं अदरक वाली चाय पीने। यूट्यूब पे डालेंगे भैया इसको, यूट्यूब पे डालेंगे इसको, हाँ डालेंगे ना। कौन सा चैनल है? अनवील दी एडवेंचर, अनवील दी एडवेंचर, अनवील दी एडवेंचर पार्ट महोत्सव का लिए है। तो उम्मीद करते हैं मैनपाट महोत्सव का ये ब्लॉग आपको पसंद आया हुआ होगा, और जल्दी मिलेंगे आप सभी से नए ब्लॉग में नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।